Hey friends, I am Anamika, your host and your dost, and welcome to my channel Anna's Recipes. Friends, आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक ऐसी magical सब्जी जिसके health benefits बहुत बहुत ज़्यादा magical हैं. ये छोटी सी सब्जी एक पावर हाउस है एनर्जी का. तो आइए आज हम बनाते हैं तुरई की सब्जी. जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सिंपल सब्जी आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ये तो हर घर में बनती है. फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है. तुरई दो तरह की मार्केट में अवेलेबल है. एक तो होता है जिसकी स्किन में कांटे लगे होते हैं, और एक सिंपल डार्क ग्रीन कलर की तुरई आती है. ये जो कांटे वाली तुरई है, इसे हम रिज गार्ड कहते हैं. इसको हिंदी में तुरई कहते हैं, और इसको चाइनीज ओकरा भी कहा जाता है. और जो दूसरी वाली तुरई है, उसको स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं. तो आज हम रिज गार्ड यानी कि ये कांटे वाली तुरई की सब्जी बनाएंगे. खास बात यह है कि आज मैं सिर्फ इसकी सब्जी आपको नहीं बताऊंगी, इसके छिलकों को भी आप कैसे सब्जी में यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी. तो यानी कि आपने मार्केट से एक सब्जी खरीदी और आप बनाएंगे दो सब्जी, एक सूखी सब्जी और एक गीली सब्जी, एक सब्जी के फायदे में. और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत बहुत सारे हैं. फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में, ये आपको हेल्प करता है ब्लड शुगर लोअर करने में, ये हेल्प करता है वेट लॉस में, तुरई हेल्प करती है इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने में, डिटॉक्सिंग में, एक्ने और बहुत सारे चैलेंजेस जो फेस पे और बॉडी में होते हैं, तुरई उसके लिए बहुत 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 शानदार सब्जी है. मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस टेस्टलेस सब्जी को भी इतनी टेस्टी और पार्टी वाली सब्जी बना सकते हैं, और आप इसके छिलकों की भी सब्जी बना सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी है और बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे. तो आइए देखते हैं तुरई और रिज गार्ड की ये ब्यूटीफुल सब्जी. हे फ्रेंड्स, टू सब्सक्राइब माय चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द रेसिपीज. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. के लिए सबसे पहले हम लेंगे तोरई. देखिए फ्रेंड्स, ये कांटे वाली तोरई है जो मार्केट में आराम से मिल जाती है. दो तरह की तोरई मार्केट में मिलती है, ये दूसरी वाली है. इसकी स्किन को हम अलग कर देंगे और इसको अलग से चॉप कर देंगे. दो टमाटर लिए हैं मैंने, और थोड़ा सा मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा. तो आइए अब इसे काट देती हूँ. मसालों मैंने लिया है नमक, जीरा, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग. अब इसको हम काट देते हैं. इसका छिलका मैं उतार देती हूँ. इस तरीके से इसका छिलका उतारना है. छिलका आप अलग रख दीजिए क्योंकि हम छिलके की सब्जी बनाएंगे, और फिर इसको भी आप चॉप कर लीजिए. ज़्यादा पतला छिलका आपको नहीं उतारना है क्योंकि फिर इसकी सब्जी ठीक से नहीं बनेगी. ये देखिए, मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये छिलके भी सारे उतार के रख लिए हैं. अब जो दो टमाटर हैं, ये छोटे साइज के टमाटर हैं, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ. एक बड़ा टमाटर मिलता है तो वो भी काफी है, एकदम बारीक चॉप कर लेना है इनको. अब इसी के ऊपर जो अदरक था उसको भी मैं थोड़ा सा घिस लेती हूँ अपने ग्रेटर से. अब एक पैन में मैं चढ़ा देती हूँ ऑयल करीब 1 टीस्पून, और बहुत एक दो ड्रॉप घी. इसमें डाल देते हैं जीरा करीब 1/4 टीस्पून और थोड़ी सी हींग. और जब ये जीरा और हींग भुन जाएगा थोड़ी देर, फिर डालेंगे मसाला. मसाले में हमें डालना है हल्दी और करीब 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर. इसे भून लेते हैं. अब डाल देते हैं इसमें टमाटर और अदरक का हमारा कटा हुआ पेस्ट, ये जो हमने चॉप किया है सॉरी. इनको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, और इसे हाथ से दबा दबा के हमें मैश करना है. नमक और लाल मिर्च भी डाल देते हैं, और इसे हाथ से दबा दबा के मैश करते हुए हमें 2 से 3 मिनट भूनना है. ये
देखिए भून गए, अब इसमें डाल देते हैं तोरी अपनी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तोरी को, और अब मन चाहे पानी डाल दीजिए। इसमें ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने 1/4 से थोड़ा सा कम पानी लिया है। गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। इसे ढक के रख देती हूँ करीब 3 से 4 मिनट। इसके छिलके के भी मैंने पीसेस काट लिए हैं, ये देखिए एक भगोने में पानी बॉईल करने रख दिया है। अब इसमें इस छिलकों को उबालना है, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और अब इसे उबालना है जब तक ये जो छिलके हैं ये उबल जाए और थोड़े से टेंडर हो जाए। अब देखिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला सब्जी में हमारी, ढक के रख देते हैं और 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, वो भी फटा हुआ। अगर फटा हुआ नहीं डालेंगे तो फट जाएगा दही, इसलिए सिर्फ फटा हुआ डालें और फिर इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दें, और उसके बाद इसको सर्व करें कसूरी मेथी के साथ, ऊपर से कसूरी मेथी डालें और देखिए एकदम रेडी है। इसको गार्निश कर देते हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ इसको गार्निश कर देते हैं। इसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही बहुत टेस्टी है। चेक कर लेते हैं अपनी तोरी के छिलकों को, ये देखिए एकदम टेंडर हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसके पानी को निकाल देते हैं। कढ़ाई में डालती हूँ सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें जीरा, हींग और अब इनके पत्तों को मैं अच्छे से डाल देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं, ये नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी हमने, धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और डाल देते हैं, खटाई ऊपर से अच्छे से खटाई डलेगी करीब 3 से 4 जो हमारी चटकी होती है। इसे ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और ये सब्जी रेडी है। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये सब्जी एकदम रेडी है बनके। आप चाहें तो इसे गार्निश करें क्रीम के साथ, थोड़ी सी मलाई ले लीजिए अगर क्रीम नहीं है आपके पास तो। और ये सब्जी एकदम परफेक्ट है, देखिए एक सब्जी में हमने 2 सब्जियां बनाई हैं और इससे ज्यादा मजेदार बात क्या हो सकती है। तो आप ये दोनों सब्जियां बनाइए, हेल्थ और टेस्ट दोनों एक साथ लीजिए और बताइए आपको ये दोनों सब्जी आपको मेरी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।